हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और तो इतना सुंदर कहना पे मैं सबके लायक और ये देखिए, मेरे दादाजी गहना खत्म पेपर पढ़ रहे बना। हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये उरद है, इसको मैंने फूलने के लिए दे दिया था, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अभी मैं आप सभी को इसी का रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं आप सभी को डुबकी जो होती है हमारे झारखंड के फेमस, उसी की रेसिपी आप सभी से शेयर करूँगी। तो ये छिलके वाले उड़द है, तो इसको अभी मुझे साफ़ करना है अच्छे से रगड़ के। तो अभी जा रही हूँ, इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको मैंने धो लिया है अच्छे से रगड़ रगड़ के, और आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो जितना छूटा काला था, जो भी काला काला था वो छिलका, वो जितना छूटा मैंने उसको अच्छे से छुड़ा लिया है पानी से धो धो के। और अब मैं इसको पीसने वाली हूँ सिलबट्टे पे। तो यहाँ पे ये देखिए, सभी को मैंने पीस लिया है। अभी शाम का समय हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा भी बना दे रही हूँ, चाय से खाने के लिए हो जाएगा। तो बड़ा बनाना बहुत ही आसान है, और इसमें बस प्याज और हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो प्याज हरी मिर्च को मैंने काट लिया है, और यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार डाल के मैं अभी बड़ा बना लूँगी। बड़ा को मीडियम फ्लेम में ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच में बनाएंगे तो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम में ही बनाना चाहिए। यहाँ पे सभी को मैंने बना लिया है, और दो चार यस लेके चला भी गया।
तो यहाँ पर डुबकी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो भी मसाले मुझे चाहिए सभी मसालों को मैंने ले लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे पीस के तैयार भी कर लिया है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा जब चटक जाएगा तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर अदरक लहसुन सभी को पीस के रखा है, इसको यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से पकाना है। अब जब ये प्याज वाला पेस्ट पूरा अच्छे से पक गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सरसों जीरा और काली मिर्च इन सभी का पेस्ट बनाया था, उसको भी यहाँ पर डाल के अच्छे से पका लेना है। फिर यहाँ पे मैंने डाला नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और लाल मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़े से यहाँ पे मेरे पास MDS के मीट मसाले बचे हुए थे तो उसको भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ और उसके बाद में सभी मसालों को अच्छे से पका लेना है। जब तक से इसका तेल नहीं निकल जाता है तब तक से इसको अच्छे से धीमी आँच पका लेंगे। मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब इसको अच्छे से एक बार चला ले रहे हैं और उसके बाद में इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको उबाल आने तक अच्छे से पकाना है। मसाले में अच्छे से उबाल आ गया है, अब मैं इसमें जो पिसा हुआ उड़द है उसमें मैं नमक मिला के रखी हुई हूँ तो इसको अच्छे से बरी का शेप देते हुए डाल देना है। जैसे कि पकोड़े का शेप देते हैं उस तरह से भी शेप देते हैं और उसी तरह से डालते हुए जाना है। तो यहाँ पे जब बरी बनते जाता है पकते जाता है तो ये खुद ऊपर आ जाता है तैरते हुए तो, और उसके बाद में ये डुबकी वाली जो बरी है वो बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी फ्रेश बरी बन के तैयार हो जाती है। और इसको पूरा जितना डालने का है उतना डालने के बाद में धीमी आंच में पकाने का होता है, पर यहाँ पे मैंने गलती कर दिया कि मैं यहाँ पे इसका आंच जो है वो कम नहीं कर पाई और उसके बाद में ये जो है थोड़े बहुत टूट गए थे। तो यहाँ पे मैं सभी बरी को डाल दी हूँ और इसके बाद में इसको उबाल आने तक कम से कम 5-10 मिनट तक इसको पकाना है, वो भी धीमी आंच में। तो यहाँ पे मैंने वही गलती कर दी कि धीमी आंच मैंने नहीं किया था तो यहाँ पे ये देखिए थोड़े बहुत टूट गए थे और नीचे से पकड़ने भी लगा था। तो यहाँ मेरा रेडी है और खाने में अच्छी लगी थी, भले ही थोड़ी सी टूट गई थी लेकिन इसके चलते ग्रेवी जो है वो अच्छी गाढ़ी हो गई थी।